रसिया और यूक्रेन का जो रिलेशन रहा है वो बहुत ही अग्रेसिव रहा है। अभी तक रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और रसिया यूक्रेन के अगेंस्ट काफ़ी अग्रेसिव है, जिसकी वजह से यूक्रेन के एम्बेसडर ने भारत से हेल्प मांगी है। उन्होंने कहा है कि भारत बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है। उन्होंने महाभारत का एग्जाम्पल दिया, महाभारत को कोट किया और कहा कि जब दुनिया में सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी तो भारत में उस समय हज़ारों साल पहले डिप्लोमेसी प्रैक्टिस की जा रही थी। उन्होंने चाणक्य के जैसे महान विचारक का एग्जाम्पल दिया। लेकिन ये सब तो बातें ठीक है, अपने जगह पर सही हैं, लेकिन हम थोड़ा एक तरफ देखते हैं यूक्रेन और इंडिया का जो अभी तक का रिलेशन है उसके बारे में ज़रा एक नज़र देखते हैं कि उसका रिलेशन कैसा रहा। देखिए, यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जो है यूएसएसआर से, यूएसएसआर उस समय सोवियत संघ हुआ, रशिया को सोवियत संघ कहा जाता था, यूएसएसआर से 1991 को अलग हुआ। 1991 से लेकर अब तक यूक्रेन एक अलग देश है। उसके बाद उसके बीच हम दोनों के बीच में जो रिलेशन क्या रहे उसको ध्यान से देखिए। 1998 में हमारे यहाँ पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। तो पोखरण में परमाणु परीक्षण करने के बाद जो यूएनओ में सबसे बड़ी आलोचना किया यूक्रेन ने हमारा किया कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ब्ला 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 जो भी चीज़ें। तो ये तो हो गया 98 में इन्होंने आलोचना किया। हाल ही में क्या है कि भारत के मना करने के बावजूद भी पाकिस्तान को इन्होंने क्या किया कि TAT टैंक, 320 TAT टैंक इन्होंने डील साइन किया है। भारत लाख मना किया कि आप उसको, पाकिस्तान को ये टैंक मत बेचिए, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इन्हीं टैंक की मदद से, इन्हीं हथियारों की मदद से बाद में उन आतंकवादियों को डिफेंड भी करता है। तो हाल ही में उन्होंने $650 मिलियन से 320 TAT टैंक पाकिस्तान पे साइन किया है, का डील साइन कर दिया है। बावजूद इसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और यूक्रेन और इंडिया का रिलेशन अभी तक कोई खास नहीं रहा है। ना ही हम कोई ट्रेड करते हैं यूक्रेन में, ना ही कुछ करते हैं। बस हमारे कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं, कुछ लोग वहाँ पर यूक्रेन में रहते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ खास रिलेशन नहीं है यूक्रेन से। अब चलते हैं, बात करते हैं रसिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में कि रसिया और इंडिया का रिलेशन अभी तक कैसा रहा है और आगे कैसा होने वाला है। देखिए, रसिया और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो एक सच्ची मित्रता का एग्जाम्पल दिया जाता है इंडिया और रसिया के बारे में। रसिया को कैसे भूल जा सकता, वो 1971 का युद्ध लड़ाई, इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी, कैसे भूला जा सकता है उसको। 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए वो अपना सातवां बेड़ा भेजा था। तो तब उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से बात की, रशियन प्रेसिडेंट से, तब उन्होंने अपना 40वां बेड़ा भेजा था इंडिया को बचाने के लिए। उसका साफ कहना था कि अगर जहां अमेरिका से बोल दिया कि जहां आप भारत पे हमला करेंगे तो हम इससे रूस पे हमला समझ लेंगे और ये अच्छा नहीं होगा, तो 1971 में साथ दिया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, 1998 में पोखरण परीक्षण हुआ तब साथ दिया था रसिया ने, वीटो किया था, यूएनओ के अगेंस्ट वीटो किया था। दूसरा, 370, हाल ही में 370 का समर्थन किया था रसिया ने। बहुत सारे देश आरोप लगा रहे थे, प्रतिबंध लगा रहे थे, तो रसिया ने उन सब का विरोध किया और भारत का खुलकर समर्थन किया। बहुत सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे वीपन है, हथियार जो है वो 70% रसिया से ही आते हैं। इंजन का कोई पार्ट्स हो गया तो हम डिपेंडेंट है, फुली डिपेंडेंट है रसिया पे। दूसरे देश से हमारा कोई पार्ट्स हथियार होगा नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे रसिया का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो छूटेगा भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुलकर चले जाएं। तो खुलकर को तो आलोचना इंडिया कभी नहीं कर सकता रसिया का, बहुत सारे देश भले ही कर लें लेकिन खुलकर नहीं कर सकता। अभी क्वाड का जो देश था, क्वाड में चार देश थे, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो इंडिया को छोड़ करके तीनों देशों ने आलोचना की है, किसकी, रसिया की। लेकिन इंडिया ने अभी तक इसका कोई रिएक्शन नहीं आया है, ये आलोचना नहीं किया है, करेगा भी नहीं। तो ये सब बातें हैं। तो यूक्रेन और इंडिया का जो रिलेशन है वो पहले से तो कुछ खास नहीं है, लेकिन रसिया और इंडिया का रिलेशन बहुत ही खास है। यूक्रेन के एम्बेसडर ने ये भी कहा है कि रसिया और इंडिया का जो रिलेशन है बहुत ही, मतलब बहुत ही खास है, और उसने मोदी जी से
रशियन प्रेसिडेंट से बात करने के लिए भी कहा है कि अगर बात कर लेते हैं तो वो बात करेंगे तो बॉम्बार्डमेंट जो है वो कम किया जा सकता है। At the present moment, we are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player. And in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special privileged strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think of